Good morning, students. How are you all? I hope all of you are doing good at home. So, let's start today's worksheet. But before that, do remember to wear your mask whenever you go out of the house and keep washing your hands with soap and water. So, let's start. Today is Wednesday, and the date is 16 December 2020. This is a special date. And this is worksheet number 133. This is an English worksheet from the unit The Little Fair Tree. So let's talk about the date first. What is special about today's date? Today is 16 December 2020. And this is known as Vijay Divas. Yani ki Ka Din.

हर भारतीय को साल 1971 याद आ जाता है यह तारीख वह है जब भारत और पाकिस्तान युद्ध में भारत की सबसे बड़ी जीत हुई थी तीन दिसंबर को पाकिस्तान ने भारत के ग्यारह एयरफील्ड्स पर हमला किया था और उसके बाद यह युद्ध शुरू हुआ था और महज तेरह दिन में भारत के जाबाजों ने पाकिस्तान को खदेड़ दिया था इस युद्ध में भारतीय सेना ने पाकिस्तान की सेना को धूल चटा दी और इस दौरान करीब एक लाख युद्ध के कैदी पकड़े थे और बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ाद करा दिया था इसके बाद एक नया देश बना बांग्लादेश तो भारत में हर साल 16 दिसंबर का दिन विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है सो दिस इज हिस्ट्री ऑफ विजय दिवस फ्रॉम इंडिया लेट स्टार्ट गुड मॉर्निंग लवली चिल्ड्रन यू नो अ वाइस पर्सन वॉन्ट्स सेड अ स्टोरी कैन टीच अस मैनी लेसन्स अबाउट लाइफ एक समझदार व्यक्ति ने कहा है कि एक कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है अपने जीवन के बारे में यू मस्ट हैव रेड मेनी स्टोरीज टू आपने भी बहुत सारी कहानियाँ ज़रूर सुनी और पढ़ी होंगी डू यू लाइक टू रीड स्टोरीज क्या आपको स्टोरी सुनना पसंद है या आपको स्टोरी पढ़ना पसंद है अगर हाँ तो आप यहाँ लिख सकते हैं येस yes. और अगर नहीं तो आप लिख सकते हैं नो आई एम श्योर योर पेरेंट्स एंड टीचर्स मस्ट हैव टोल्ड यू अ नंबर ऑफ स्टोरीज़ और मुझे पूरा यकीन है कि आपके मम्मी पापा ने या आपके टीचर्स ने आपको बहुत सारी कहानियाँ सुनाई होंगी सो देर आर मैनी थिंग्स इन द स्टोरी दैट मेक्स इट इंटरेस्टिंग एंड फन टू रीड कहानी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उसे मज़ेदार बनाती हैं और पढ़ने में रोचक बनाती हैं दीज आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ़ द स्टोरी इन्हें हम कहते हैं कहानी के एलिमेंट्स यानी कि कहानी के हिस्से कह सकते हो आप एलिमेंट्स ऑफ़ द स्टोरी अस टू अंडरस्टैंड इट बेटर हर कहानी के कुछ एलिमेंट्स होते हैं यानी कि कुछ उसमें क्या होता है ना इंग्रेडिएंट्स होते हैं एक तरह से जो उसको मज़ेदार बनाते हैं समझने में आसान बनाते हैं यू हैव ऑलरेडी रेड नेहा जलाम क्लॉक आप लोगों ने ऑलरेडी नेहा की अलाम क्लॉक वाली कहानी पढ़ी है तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी सम ऑफ़ द स्टोरी एलिमेंट इन इट तो चलिए हम नेहा क्लॉक वाली कहानी में से स्टोरी के एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं लेट एस री विजिट नेहा जलाम क्लॉक एंड राइड इट्स स्टोरी एलिमेंट्स तो अब हम एक बार फिर नेहा जलाम क्लॉक की कहानी को याद करते हैं और उस कहानी के एलिमेंट्स यानी कि तत्वों को हम अलग अलग लिखते हैं सबसे पहले आता है कहानी का टाइटल टाइटल मीन्स द नेम ऑफ द स्टोरी सो टाइटल है नेहाज अलार्म क्लॉक नंबर टू मेन आइडिया वॉट इज द स्टोरी अबाउट मेन आइडिया यानी कि कहानी का कहानी है क्या किस चीज़ के बारे में द स्टोरी इज अबाउट अ गर्ल नेहा हु विशेज टू स्लीप मोर एवरी मॉर्निंग ये कहानी है एक छोटी बच्ची नेहा के बारे में जो कि हर सुबह ज़्यादा सोना चाहती है नाउ सेटिंग पॉइंट नंबर थ्री वेन एंड वेयर द स्टोरी टेक प्लेस तो सेटिंग में हम बात करते हैं कि कहानी कहाँ घटित हुई किस जगह पर द स्टोरी टेक प्लेस इन नेहाज हाउस हमें पता है कि नेहा की कहानी कहाँ हुई थी नेहा के घर के अंदर फिर आते हैं फोर्थ पॉइंट पे विच इज़ कैरेक्टर्स कैरेक्टर्स यानी कि द पीपल एनिमल और थिंग्स इन द स्टोरी कहानी में भाग लेने वाले किरदार कौन कौन थे लोग एनिमल्स यानी कि जानवर या सामान किसी भी तरीके का तो कहानी में कौन कौन थे नेहा की नेहा नेहाज मदर अलार्म क्लॉक बर्ड्स सन यही पांच लोगों के बारे में बात हुई थी इन्हीं पांच एलिमेंट्स के कैरेक्टर्स uh, के बारे में बात हुई थी तो so, ये हो गई टाइटल मेन आइडिया सेटिंग एंड कैरेक्टर्स नाउ फिफ्थ पॉइंट है प्रॉब्लम हर कहानी में कोई ना कोई प्रॉब्लम तो होती है तो so, यहाँ पर उन कैरेक्टर्स से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम ही या कैरेक्टर क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे थे उसके बारे में बताएंगे तो so, वो है नेहा इज अपसेड दैट एवरी वन अराउंड हर वेक्स आर अप अर्ली इन द मॉर्निंग तो यहाँ पर प्रॉब्लम नेहा की है कि वो बहुत अपसेट है क्योंकि हर कोई उसकी कहानी में जितने भी चीज़ें हैं हर कोई उसे सुबह सुबह जल्दी उठा देता है अब उसी कहानी में जिसमें प्रॉब्लम होती है हमेशा एक सोल्यूशन भी होता है, हैप्पी एंडिंग तो कहानी के एलिमेंट्स का सिक्स पॉइंट है एलिमेंट्स हाउ द प्रॉब्लम इज सॉल्व नेहा वेक्स अप अर्ली ऑन संडे मॉर्निंग विदाउट एनी हेल्प तो आपने देखा कि नेहा संडे मॉर्निंग में बिना किसी के उठाए खुद ही उठ गई शी अंडरस्टूड हाउ हर बॉडी क्लॉक हेल्प हर टू गेट अप ऑन टाइम और उसे यह भी समझ में आ गया कि कैसे उसकी बॉडी क्लॉक ने उसे टाइम पर उठा दिया ऐसा आपके साथ भी होता है सोच के देखिए कि जब आपको आदत पड़ जाती है रोज सुबह छः बजे या सात बजे उठने की तो जिस दिन आप नहीं भी चाहते आप ऑटोमेटिकली आपकी आँख खुल जाती है है ना दिस इज बिकॉज ऑफ योर बॉडी क्लॉक तो ये था कहानी में सॉल्यूशन तो ये हैं किसी भी स्टोरी के इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स सबसे पहले टाइटल फिर है मेन आइडिया फिर है सेटिंग फिर है कैरेक्टर्स उसके बाद आती है प्रॉब्लम और प्रॉब्लम का एंड होता है सॉल्यूशन से और कहानी होती है हैप्पी एंडिंग पर ख़त्म राइटिंग अबाउट स्टोरी एलिमेंट इज एन इंटरेस्टिंग वे ऑफ रीटेलिंग अ स्टोरी जब आप किसी कहानी के एलिमेंट्स को लिखते हैं तो आपको बड़ा मज़ा आता है एक तरह से स्टोरी को आप दोबारा से कह रहे होते हैं या एक तरह से आप दोबारा से उस कहानी को याद कर रहे होते हैं तो अब आपको क्या काम दिया गया है राइट द स्टोरी एलिमेंट ऑफ द लिटिल फिर ट्री स्टोरी वन हैज़ बिन डन फॉर यू आपको करना ये है कि आपको लिटिल फिर ट्री स्टोरी की स्टोरी एलिमेंट्स को लिखना है इसमें से एक एलिमेंट इन्होंने पहले से ही आपको लिख के दिया हुआ है मेन आइडिया ऑलरेडी दो एलिमेंट हो चुके हैं टाइटल आपको पहले से पता है, दूसरा है में अब में में आपको क्या था कहानी किस बारे में थी कि हमें उन चीजों से खुश होना चाहिए जो हमारे पास है हमेशा हमें उन चीजों के बारे में नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास ये भी नहीं है वो भी नहीं हमें खुश होना चाहिए उन चीजों से जो हमारे पास ऑलरेडी हैं फिर आपको लिखना है कहानी में कैरेक्टर्स कौन कौन से थे तो याद कीजिए कि लिटिल फिल ट्री की कहानी में कौन कौन था वो प्लांट ट्री था लिटिल फिल ट्री उसके अलावा मजिशन आया था उसके अलावा कुछ थीव्स थे गोट थी और एंड में विंड भी थी राइट सो so ये थे कैरेक्टर्स स्टोरी के फिर आते हैं सेटिंग ये कहानी कहाँ पर घटित हुई थी स्टोरी ट्री के बारे में है ट्री कहाँ था सोचिए आप नहीं तो आप उस कहानी को एक बार दोबारा से देखिए बुक में और उसके हिसाब से यहाँ पर लिखिएगा कि ट्री की जो स्टोरी है वो कहाँ थी नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज प्रॉब्लम वट वॉज द प्रॉब्लम प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम इज विद द फिल ट्री प्रॉब्लम थी फिल ट्री को बिकॉज ही हैज ही वॉज अपसेट बिकॉज ऑफ हिज नीडल लाइक लीव्स वो अपनी नीडल लाइक लीव्स की वजह से परेशान था सो so, नाव वट वॉज द सोल्यूशन सोल्यूशन क्या निकला द मजिशियन ग्रांटेड हिम थ्री विशेज इन विच ही गॉट टू नो दैट ही वॉज हीज लीव्स हीज निडल लीव्स आर बेटर देन एनी अदर लीव्स तो सोल्यूशन क्या निकला एट लास्ट ही बिकेम हैप्पी टू हैव निडल लाइक लीव्स बिकॉज दे आर द बेस्ट फॉर हिम क्योंकि उसके लिए उसकी निडल लाइक लीव्स ही बेस्ट थी सो दिस इज़ द स्टोरी जिसमें आपने स्टोरी के एलिमेंट्स के बारे में बात की अब आपका काम ये है कि आप द फिल ट्री के एलिमेंट्स को लिखेंगे इसी के साथ एक और काम जो आप करेंगे अपनी चॉइस की कोई भी स्टोरी आप इंग्लिश की बुक से लीजिए और उसके सेम स्टोरी एलिमेंट्स को आपको ढूंढ कर लिखना है दिस इज द वर्क यू हैव टू डू टुडे वी विल मीट टुमारो टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू